प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएचटीसी फर्स्ट ईयर की क्लास से हम पढ़ रहे हैं। बीएचटीसी फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन, बच्चे और बचपन के अंदर इकाई हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ इकाई है। फोर्थ इकाई का नाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने वृद्धि, विकास, इन दोनों की विशेषताएं और अंतर, यहाँ तक कि विकास क्रम को प्रभावित होने वाले परिवर्तन को बारे में हमने पढ़ा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, तो आज हम इसमें अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में इन सिद्धांत को पढ़ने से पूर्व हम ये थोड़ा कहना चाहते हैं कि विकास और अभिवृद्धि के जो सिद्धांत है ये एग्जाम और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप सभी विद्यार्थी अपने अपने नोटबुक में उतारे। तो इसमें गैरिसन नाम सुना होगा आपने, कौन सा गैरिसन? गैरिसन ने और अन्य विज्ञानों ने, गैरिसन व अन्य मनोविज्ञान के अनुसार गैरिसन व अन्य मनोविज्ञानों ने इस अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में वार्तालाप मत दिए अपने अपने। तो सिद्धांत को पढ़ने से पूर्व लिखा है इन्होंने कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखते हैं। और इन अध्ययनों से मालूम पड़ा है कि परिवर्तनों में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं या उनके अनुसार अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं सिद्धांतों या इन्हीं विकास के सिद्धांतों को हम विकास सिद्धांत कहते हैं। जैसे एक अवस्था से जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब बालक में हम कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन देखते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इन सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। विकास किसी न किसी गति, तीव्र या मंद या धीमी गति के साथ बालक या व्यक्ति के अंदर विकास हमें देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर गति, मतलब विकास कभी रुकता नहीं है, अविराम धीरे धीरे मगर चलती रहती है जन्म से लेकर आजीवन तक, मतलब मृत्यु प्रत्यंत तक हमारी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ये कभी कभी तीव्र तो कभी मंद हो जाती है। उदाहरण अगर हम पढ़े कि प्रथम तीन वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो उसकी अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है और तीव्रता के साथ वो बढ़ता है। और उसके बाद जब वो बालक 3 माह तक वो तीव्र की प्रक्रिया हो जाती है, 3 वर्षों तक, 4th वर्ष में तो बैठता है, तो इसकी जो विकास गति है वो धीमी मनी मंद हो जाती है। इस प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास भी तीव्र गति और मंद गति से होता है। जैसे शरीर मस्तिष्क का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना, हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य भाग रूप में जो विकास हो रहा है उसकी बढ़ना गति हमेशा धीरे होती है। जैसे हम कहते हैं कि दांत की प्रक्रिया है, मस्तिष्क का वजन है, शरीर का है, वेट है, लंबाई है, चौड़ाई है, यहाँ तक कि हमारे हृदय की धड़कन है, श्वसन क्रिया है,
इनके अंदर भी हमारा क्या होता है, विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रिया कभी अवश्य चलती रहती है। जैसे स्किनर ने भी कहा है कि विकास की प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इन तथ्यों पर बल देता है कि व्यक्ति कोई ना कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं करता है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, और ये स्किनर ने कहा था। अगला पॉइंट है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास विभिन्न गति का सिद्धांत जो हर बालक के अंदर जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें हॉलैंड ने भी विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में कहा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति विभिन्न होती है, मतलब हर व्यक्ति की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। यह गति विभिन्नता के विकास के काल में यथार्थ बनी रहती है। उदाहरण, जब जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वो बड़ा होने पर लंबा ही होता है, जो छोटा होता है वो साधारण छोटा होता है। कहने का मतलब होता है कि जन्म के समय जो बालक लंबा होता है उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, बड़ा लंबा ही होता है। जो बालक छोटा होता है जन्म के समय वो बालक की हाइट होती है, कद होता है, वो भी छोटा रहता है। तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत होता है कि इसमें लंबा और छोटे के बारे में बात बताई गई है। हम अगले सिद्धांत को वीडियो कैटन के माध्यम से पढ़ेंगे। आज के देखता ही, धन्यवाद।